नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज। अपने मशहूर शो किस्से में आज हम जानते हैं भक्ति से जुड़ा वो अहम गीत जिसे एक मुसलमान गीतकार ने लिखा, एक मुसलमान संगीतकार ने उसमें अपना संगीत दिया और एक मुसलमान गायक ने उसे अपनी आवाज देकर उस भक्ति गीत को अमर कर दिया जिसे हम भक्ति भाव से अपने मंदिरों में बजाते हैं। ये किस्सा जानते हैं फेमस राइटर विनोद बिप्लव जी से। बिप्लव जी, आपका बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले, वो कौन सा भक्ति गीत है जिसे तीन तीन मुस्लिम कलाकारों ने हमारे लिए गाया, प्रस्तुत किया? और नमस्कार, जैसा कि आपने बताया कि ये गीत था जिसको मुस्लिम गायक ने गाया, मुस्लिम संगीतकार ने संगीत दिया और मुस्लिम गीतकार ने इसे लिखा। तो इस गीत में एक वाक्या है, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि जो जिसे सुन के आपको लगा कि भारतीय फिल्म संगीत ने हिंदू मुस्लिम एकता में कितना योगदान दिया है। इस गीत को नेपाल के एक बहुत ही कट्टर हिंदू कह सकते हैं ने जब इस गीत को सुना तो उनके मन में इतना भक्ति भाव पैदा हुआ और वो इस गीत को सुनकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सोचा कि इस गीत को जिसने गाया है या जिसने संगीत दिया है उनसे मिल करके उनके मन में इतनी मिलने की इच्छा हुई, धन्यवाद देना देने के लिए। तो भारत आए और जब आए तब पता चला कि इस गीत को रचने वाले, इस गीत को का जो सृजन किया था जिन लोगों ने, वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। इस गीत को लिखा था शकील बदायूं ने, संगीत दिया था नौशाद साहब ने और गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। तो ये गीत है फिल्म बैजू बावरा का और यह गीत है मन तरपत हरि दर्शन को आज, जो कृष्ण भक्ति का गीत है और आज भी भारत में और विदेशों में कई मंदिरों में बजाया जाता है। और मतलब कह सकते हैं कि इसको आप जब सुनेंगे तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या इवन नास्तिक भी हो, उस गीत को अगर सुनेगा तो उनके मन में भक्ति भाव जरूर पैदा हो जाएगा। जैसा कि आपने इस गीत के बारे में सुना कि इसमें तीन तीन मुस्लिम लोगों ने अपना योगदान दिया और ऐसे ही ढेर सारे किस्से हैं, इस गीत की रिकॉर्डिंग के भी किस्से हैं और विनोद जी हमें बताएंगे कि इस गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो उस समय कितना भक्तिभावमय माहौल था वहाँ पे। हाँ, जैसा कि आपने बताया, इसका जब खुद नौशाद साहब ने बताया है कि इसकी जब रिकॉर्डिंग होनी थी तो उससे पहले उन्होंने सारे साजिंदे को बोल दिया था कि यह भक्ति संगीत है और इसकी रिकॉर्डिंग है, इसलिए आप पूरा पाक साफ होकर के यहाँ पे आएंगे। तो उसी तरह से सब पाक साफ होकर के आए और उस रिकॉर्डिंग के समय बने उस भक्ति भावना को लाने के लिए, भक्ति में माहौल रहा होगा, भक्ति भय माहौल को बनाने के लिए उन्होंने बनारस के पंडितों को बुलाया था ताकि एक माहौल भी हो उसमें, जो भी पाक साफ उसको बनाया जा सके। और उसके अलावा इस गीत में कई चूंकि शब्द थे संस्कृत शब्द जो रहे जी, तो उसमें कोई गलती नहीं सही उच्चारण के लिए। विनोद जी, नौशाद साहब ने खुद उस रिकॉर्डिंग के बारे में भी बताया है, जैसा कि एक मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा एक ऑडियो क्लिप जिसमें नौशाद जी खुद ही कह रहे हैं कि कैसे लोगों को आना है और कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, एकदम वो भाव आना चाहिए गीत में। तो आप देखिए, जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था मैंने तमाम साजिंदों से ये कहा कि कल ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है और कृष्ण भजन है, सब लोग पाक साफ और पवित्र होके आना। उसी तरह सब लोग हाजिर हुए और गाना साहब उसी पाकिजगी से, उसी पवित्रता से ये गाना रिकॉर्ड हुआ है। तो इसको जब रफ़ी साहब ने गाया तो इतना भक्ति भाव पैदा, भक्ति का माहौल पैदा हुआ कि नौशाद साहब ने खुद ही बताया है कि एक जो फिनांसर थे वो जब इन्होंने रिकॉर्डिंग समय वो मौजूद थे तो जब इसको सुना और रिकॉर्डिंग हुई तो रिकॉर्डिंग खत्म हुई गई हो गई उसके बाद भी उनके मन में इस गीत का इतना प्रभाव बना रहा कि कृष्ण कृष्ण वो कहते रहे, उनको टोका गया तब भी मतलब कृष्ण कृष्ण इस तरह से उनके मुंह से निकलता ही रहा। और एक साहब थे लल्लू भाई जो आते थे लोगों को पेमेंट करने के लिए, उनके ऊपर कैफियत तारी हो गई, आखिर में वो रक्स कर रहे हैं, ये कृष्णा कृष्णा ये कहते जा रहे हैं और साहब गाना ख़त्म हो गया, रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन वो उसी कैफियत में थे, वे खुद हो गए थे, उनको थामना उनको संभालना मुश्किल हो गया था। नौशाद साहब ने तो रफ़ी साहब के लिए क्या कहा कि तू ही था प्यार का एक साज
जी, नफरत की इस दुनिया में गनीमत थी तेरी आवाज। जी बिल्कुल, और वो आवाज का जादूगर कितना सौहार्द फैलाता था। जी बिल्कुल सही बात, किस तरह से तो, गीतों के जरिए रफी साहब ने या और भी मुस्लिम ढेर सारे मुस्लिम कलाकार हैं, नौशाद जी के साथ साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, हसरत जयपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, या इवन जो फिल्मों पे एक्टिंग जैसे दिलीप कुमार, दिलीप कुमार साहब ने कितना जितने भी फिल्में की उन्होंने, दिलीप कुमार साहब ने एक भी फिल्म में मुस्लिम किरदार नहीं निभाया, सारे में हिंदू, जैसा मैंने सुना है, देखा है, जितना जाना है। तो ये था कि किस तरह से अभी जो ऐसा माहौल है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोग नफरत का माहौल, बिल्कुल मोहम्मद रफी साहब ने कितना योगदान दिया है हमारे। तो यही कह रहा हूँ कि गीतों के जरिए हमारे देश के में जो समाज में विभिन्न धर्म के लोग हैं उनको जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो उसमें फिल्मी गीतों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय फिल्म संगीत ने हिंदू मुस्लिम एकता, या हिंदू मुस्लिम क्या, विभिन्न धर्मों के बीच में जो एकता, सद्भाव और प्रेम बरसाते हैं लोग। तो वैसे कई भी ऐसे कई गीत है जैसे जो मोहम्मद रफी ने गाए हैं, कई सारे गीत, बल्कि कहूँगा कि सबसे ज्यादा भक्ति संगीत, भक्ति गीत किसी ने गाया है तो रफी साहब ही थे, जैसे मधुबन में गोविंदा आला रे, गोविंदा आला रे, राम जी की निकली सवारी, इस तरह से ढेर सारे गीत थे, सुख के सब साथी, सुख के सब साथी। तो मतलब एक नहीं कई, एक लंबा लंबी सूची बन जाएगी ऐसे करके, ऐसे ही ढेर सारे गीत हैं और ढेर सारी संगीत है और हर गीत के पीछे एक किस्सा है। हम आपसे अगले एपिसोड में ऐसे ही एक और किस्सा सुनेंगे, और तब तक आप देखते रहिए हमारा फेमस चैनल TDC न्यूज़।